इन दिनों देश में गाय की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। कृष्ण की कीड़ा स्थली और जन्म स्थली से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल को झकझोर कर रख देती हैं। लेकिन इन सबके बीच समाचार सिटी 24 की मुहिम के बाद समाज सेवी गायों की सेवा करने के लिए आगे आए। यमुना मिशन के द्वारा गायों को किसी भी हाल में भूखा ना रहने का संकल्प लिया गया। इसके बाद गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में घूम रही गायों को चारा मिलने लगा है। आपको बताएं कि यमुना मिशन के द्वारा गिरिराज परिक्रमा मार्ग में ट्रैक्टर और ट्रॉली की सहायता से आवारा गायों के लिए चारा डाला जा रहा है। जो गाय अपनी भूख मिटाने के लिए कचरे के ढेर पर नजर आ रही थीं, उनके पास ट्रैक्टर ले जाकर पहले वहां से कचरे को साफ किया गया और फिर बाद में गायों के लिए उसी जगह पर चारे की व्यवस्था की गई है। यमुना मिशन संस्था चल रही है और अनाथ गायें हैं। कहाँ से कहाँ तक डालते हैं ये? पूरा सातों कोस में डालते हैं। सातों कोस में? अच्छा, कब से चालू हुआ ये सर? दो ढाई महीने हो गए। ये दो ढाई महीने हो गए सर। यमुना मिशन द्वारा ये संस्था से सेवा चल रही है। अनाथ निष्कंचन गैया जो कूड़ा खाती हैं, रोड पर डोलती हैं, उनके लिए हम चारा देते हैं प्रतिदिन। दो ढाई महीने से हमारी ये सेवा चल रही है यमुना मिशन द्वारा। कूड़ा साफ करके, जब गंदी जगह पर गाय ठड़ी होती हैं, कूड़ा साफ करके गाय को खिलाते हैं, झड़वाते हैं थोड़ा उनको, फिर उसके बाद हम गाय को चारा। समाज सेवा में गौ सेवा से बड़ा कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं हो सकता। लोगों में गौ सेवा का चिंतन बढ़ रहा है। गौ सेवा से हमारी पीढ़ियों को मार्गदर्शन भी मिलता है। समाचार सिटी 24 की टीम लगातार समाज सेवियों के साथ मिलकर गौ माता की सेवा और सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करने की अपील भी करती है। समाचार सिटी 24 के लिए ऋषभ कौशिक की रिपोर्ट।